हनुमान जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सेवा संवेदन होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। सेवा संवेदन होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज राजधानी पटना में जो है सो बिहार राज्य कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ का जो है सो आज अधिवेशन सम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर जी? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा में आने के लिए। चूंकि हम लोग बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में पेट्रोल के माध्यम से पिछले 2 दशक से तकरीबन 25 साल से हम लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने पिछले 22-25 साल से सरकार से बस एक ही मांग मांगी है कि हमारी सेवा को एजेंसी के माध्यम से हटाते हुए आउटसोर्स की व्यवस्था को समाप्त करते हुए हमारा सेवा जो है विभाग से समायोजित की जाए। और अभी तक पिछले 2 दशक में हमारे हर तरीके से मांग को मानने के बावजूद भी सरकार ने इस बात को नहीं माना है। तो आज पूरे बिहार से डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं बेल्ट्रोन से, वो पूरे जिला से, प्रखंड स्तर से और मुख्यालय से इस सभा में शामिल हुए हैं। और आज जो हमारा वार्षिक अधिवेशन है, उसका मेन मुद्दा यही है कि हमारी सेवा समायोजन की जो एकल मांग है, उसको लेकर के आगे की चरणबद्ध रणनीति जो बनानी है संगठन के द्वारा, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और अमूमन अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन हम लोग संगठन की ओर से तय कर लेंगे कि आने वाले 5 नवंबर को हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में एक दिवसीय धरना का आयोजन करेंगे पूरे 3800 जिला में। उसके बाद 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक हम लोग काला बिला लगा करके सरकार के कार्यालय में कार्य करेंगे। और छठ के बाद हम जो है कभी ना कभी जो है अपने हड़ताल के जो हमारा जो हड़ताल का जो आह्वान है वो कर दिया जाएगा संगठन की ओर से। आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो आउटसोर्स का धब्बा हम पे लगा है, जो एजेंसी से हमारा काम दिया जा रहा है, बस एक मांग, उसको हटाते हुए हमारी सेवा विभागीय समायोजित की जाए, हमारी सेवा को समायोजित की जाए, बस यही एक मांग हम सरकार से रखते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ और बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव। बहुत बहुत बेल्ट्रोन सरकार का एक उपक्रम है, आईटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उससे हमको समाहित करे या विभाग में जहां भी हमारे बेल्ट्रोन कमी है उसमें समाहित करे, यही सरकार से हम मांग करते हैं। अपना परिचय। मनीत कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग। आप क्या कुछ कहिएगा मैडम जी? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रोन से, मैं सरकार से इतना ही चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को भी पढ़ाओ और उन्हें भी रोज़गार दिलाओ, और उन्होंने रोज़गार तो हमें दिया है लेकिन हमारी सेवा सुरक्षा नहीं दिया है। हमें हर समय ये डर बना रहता है कि किस दिन हमारे पदाधिकारी हमसे नाराज़ हो जाए या हमारे काम को लेकर के संतुष्ट ना हो और एक लाइन लिख करके हमको वापस कर दिया जाता है। इस अन्याय से हमें मुक्ति दिलाई जाए। सरकार से मैं एक बार फिर आग्रह करूंगी कि हमारे सेवा का सुरक्षा दिया जाए, हमें 20 साल नौकरी करने के बाद वापस करके हमें घर में ना बैठाया जाए, इससे हमारे क्षति होती है, हमारे क्या बोलते हैं कि बहुत तरह का नुकसान है हमारा, हम समाज में अपने इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ खो देंगे अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो। क्योंकि हम 20 साल से सेवा दे रहे हैं और आज किसी कारण बस कोई ऐसे पदाधिकारी आते हैं और कह दिया जाता है कि आप इस काम में दक्ष नहीं है। तो पिछले 20 साल से मैं कैसे दक्ष थी, कैसे उस ऑफिस को मैं संभाल रही थी और आज मैं कैसे दक्ष नहीं हूँ, ये सवाल उठता है हमारे ऊपर है कि हमारे सेवा का समायोजन किया जाए और हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संगीता कुमारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर। एक ही कहना है, जैसे कि हम सब जानते हैं जो कि आजकल के डेट में पूरा ऑफिस जितने भी है वो ई ऑफिस हो रहा है, पेपरलेस काम हो रहा है। आज बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे विभाग में रन कर रहा है और अगर हम एक क्लिक ना करें तो वो फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल नहीं जाएगा। हमारा काम इतना महत्वपूर्ण है, ऑफिसर भी उस फाइल को तभी देखते हैं जब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी दयनीय है, जो कि सालों से हम एग्जाम पास करके आए हैं, एक नहीं, दो नहीं, बार बार हमारा एग्जाम दिया जा रहा है। अब सरकार को हमसे क्या दक्षता चाहिए, जो सालों से काम करने के बाद जब हमें वापस किया जाता है तो जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, हमारी रोजी रोटी रुक जाती है। हम भी बिहार के नागरिक हैं, हमारे अगर हम बीमार पड़े, अगर ऑफिस से घर जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें 1 रुपये की कहीं से कोई हेल्प नहीं है और हमारी सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं है जो कि हमारी उतनी सेविंग हो। अगर खुदा ना
हंसते हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होता है तो हमें जान से ही हाथ धोना होता है। इस ऑफिस में, इस सरकार में, इस तंत्र में हमारी जो भूमिका है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बिना हमारे टाइप किए हुए एक लेटर नहीं बढ़ेगा, बिना हमारे क्लिक किए हुए एक फाइल नहीं बढ़ेगा, फिर भी हमारी कोई जगह नहीं है। न हम ऑफिस के स्टाफ माने जाते हैं, न हम बेल्ट्रॉन के स्टाफ माने जाते हैं। कहने का मतलब है न हम जमीन के हैं न आसमान के हैं, हम नारियल के पेड़ पे त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। बताइए जो कि मैं किसको मानूं अपना ऑफिस, कि कौन हमें गवर्न कर रहा है, हमारा कोई नियमावली नहीं है। बिना मतलब का जिसको जो मन में आता है वो रूल बनाता है, हमारे ऊपर थोप देता है। और हम मानते हैं बिहार आईटी को आगे नहीं बढ़ाएगा, कहाँ से बिहार बढ़ेगा, कौन बिहार बढ़ाएंगे भाई। हमारी ये मांग है जो कम से कम अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को सुदृढ़ करना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हम, स्मार्ट लोग हैं, तो सब बिना कंप्यूटर बिना आईटी को मजबूत किए हम कभी स्मार्ट नहीं हो सकते। और आईटी की स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, जो आज हम यहाँ खड़ा है कल पता नहीं कहाँ होंगे। डिपार्टमेंट से